आपको बहुत भूख लगी हो और बच्चों को भी झटपट कुछ बना कर देना हो तो आप बना सकते हैं पोटैटो शॉर्ट। ये बहुत ही इजी और टेस्टी है और बनने में भी बहुत क्रंची है। चलो बनाना स्टार्ट करें। मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और क्लिक करो बेल आइकन पे एंड ऑल पे जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं, इसको छील दिए हैं। छीलने के बाद मैं आज इसको कटिंग करूंगी और कटिंग किस तरह से करना है ये आपको मैं बताती हूँ। कटिंग किस तरह से करना है ये दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से इसके बीच में ये कट कर देंगे और इसके तीन तीन पीस में ले लूंगी। इस तरह से धीरे धीरे ये मैंने तीन पीस में कटिंग कर दिए हैं और अब मैं इसके क्यूब की तरह कटिंग करके दिखाती हूँ और ये बहुत ही झटपट कटिंग हो जाएंगे इस तरीके से। आपको और भी कोई शेप में देना हो तो दे सकते हैं। मैंने इसको क्यूब्स में कर रही हूँ इस तरह के। ये देखो इस तरह ये क्यूब तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं पानी में डाल दूंगी। इस तरह मैंने सारे क्यूब्स पानी में डाल दिए हैं और अब इसको मैं तीन पानी से वॉश करूंगी। तब तक अपना पानी पूरा क्लियर नहीं हो जाए। इस तरह से मैंने ये तीन बाउल रख दिए पानी से भर के। ये नॉर्मल पानी है। आपको इस तरह से ये नॉर्मल पानी में मैं तीन बार धोऊंगी जिससे पूरे आलू एकदम क्लियर दिख जाए। ये इस तरह मैंने तीन बार पानी से धो लिया है और ये देखो अब पानी कितना क्लियर हो गया है। उसके बाद अब मैं एक बाउल में गर्म पानी लूंगी। तीन बार वॉश होने के बाद अब मैं थोड़ा गुनगुना पानी करूंगी और गुनगुना पानी में एक चम्मच में नमक डाल दूंगी और उसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद ये पोटैटो शॉर्ट इसमें डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं और अब ये इस आलू को मैं निकाल के एक नैपकिन पे रख दूंगी और इसका पानी सब पोंछ लेंगे। पानी इस तरह से पूरा साफ कर देंगे और जिससे कि अपना आलू बनाते समय ये पोटैटो शॉर्ट बनाते समय बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हो। अब मेरे ये थोड़े सूख गए हैं। सूखने के बाद अब मैं इनको गरम तेल में तल दूंगी और मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। और 5 मिनट तक पकने देंगे। ये मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसको मैं एक बाउल में ले लूंगी। मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची डालूंगी। लाल मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब डिप बनाने के लिए मैंने मेयोनीज लिया है 1 चम्मच और आधा चम्मच मैं शेजवान चटनी लूंगी और उसके साथ अच्छे से मिक्स करके मेरे पोटैटो शॉर्ट बनके तैयार हो गए। मैं मेयोनीज के साथ सर्व करूंगी।